हम कुछ दो तीन शेर व शायरी करेंगे, फिर आगे हम लोग आराधना में जाएंगे। क्या आप लोग तैयार है शायरी सुनने के लिए? यस, हमारी बहनें, अच्छा लगता है मुंबई का वड़ा पाव खाकर आए और सिस्टर भाई लोग पराठा खाकर आए चंडीगढ़ का। आमेन, हालेलुया। यस, जुबा मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। बोलिए वाह। जुबा मेरी नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है, मैं तो सिर्फ होठ हिलाता हूं, बोलता मेरा खुदा है, बोलता मेरा खुदा है। मैंने पूछा खुदा से, ऐ खुदा तुझे कितनी मोहब्बत है इन मेरे भाई बहनों से। मैंने पूछा खुदा से, ऐ खुदा तुझे कितनी मोहब्बत है इन मेरे भाई बहनों से। कहा खुदा ने मुझसे, जितनी गहराई है जमी और आसमां में, उतनी ही मोहब्बत है इन तमाम लोगों से, इन तमाम लोगों से। और एक दो शायरी हम जरूर बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तेरे वस्त्र की परछाई से ऐ मसीह मुर्दे भी जाग जाए। बोलिए वाह। तेरे वस्त्र की परछाई से ऐ मसीह मुर्दे भी जाग जाए, जिस राहों से तू चले, जिस राहों से तू चले, वो कांटे भी फूल बन जाए, वो कांटे भी फूल बन जाए। सारी दुनिया दवा से जीती है, हम खुदा के बंदे सिर्फ दुआ से जीते हैं। आमीन। आज से 20 साल पहले जब मेरी पहली बार शादी हुई थी, आई मीन टू से मेरी वो आखिरी बार थी। ओके, अल्फा और ओमेगा, वो मेरी पहली और आखिरी शादी थी। और शादी के कुछ सालों बाद, महीनों बाद, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा था आप कभी बाप नहीं बनेंगे। शायद आपने कहीं ना कहीं ये टेस्टिमनी सुनी होगी। डॉक्टर ने कहा था आप कभी बाप नहीं बनेंगे, और उस वक्त मैंने अपने आप से कहा था, मेरा बाप जो आसमान में तख्त नशीन है, हालेलुया, उसका कलाम कभी जाया नहीं जाता है। डॉक्टर का रिपोर्ट गलत हो सकता है, बट यीशु का रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। हमने उनके रिपोर्ट पे नहीं, हमने इस रिपोर्ट पर विश्वास किया, और विश्वास से हमने बच्चे का नाम रख दिया, ईमेल आईडी बना दी, हमने अकाउंट खोल दिया। भाई अंतनी राज आने वाले हैं कुछ दिनों बाद में, दो तीन दिन बाद शायद, उन्होंने ही मेरी ईमेल आईडी बनाई थी, आप उनको पूछ सकते हैं। बच्चे का कोई नामो निशान नहीं था, और मैंने विश्वास से बेटे का नाम रख दिया था, और मैंने 10 से 12 पॉइंट पेपर पर लिखे कि मुझे लड़का ही चाहिए, वो गोरा हाइटेड होना चाहिए, उसके बाल प्लेन होने चाहिए, उसके आंखें जो है थोड़ी सी ब्लू होनी चाहिए। ऐसे 12 पॉइंट मैंने लिखे, और जैसे मैंने खुदा से दुआ की, एग्जैक्टली खुदा ने वैसे मेरा ऑनर किया। और शादी के 4 साल बाद 2 मार्च 2006 7:45 बच्चे को लेकर, सिस्टर ने शिशु को लेकर गोद में मुझे पूछा, क्या आप सुरेखा का पति है? मेरी बीवी का नाम सुरेखा है। तो मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको पता है मेरे गोद में क्या है, लड़का है कि लड़की है? मैंने बिना देखे ही कह दिया कि वो लड़का है, और सिस्टर का रिएक्शन था तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपको कैसे मालूम लड़का है? मैंने कहा, सिस्टर जी, खुदा ने हमें ऐसी आंख दी है कि हम फ्यूचर को प्रेजेंट में देख लेते हैं, और वो लड़का कोई और नहीं, मेरी एकलौती बीवी का ये बड़ा बेटा है। आमीन, हालेलुया। हमें 16 से 17 साल इंतज़ार करना पड़ा बड़ा बड़ा स्टेज के लिए, लेकिन इनको एक डेढ़ साल की उम्र में इनको बड़ा बड़ा स्टेज मिलने लगा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
ये प्रभु का अनुग्रह है। गौर से सुनिएगा, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला दिल्ली मुंबई तो क्या सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। आखिरी शायरी मैं बोलूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जन्नत से खूबसूरत जहां और कहीं नहीं, जन्नत भी मसीह मेरी खातिर छोड़ जमी पर आ गया। जन्नत से खूबसूरत जहां और कहीं नहीं, जन्नत भी छोड़ मसीह मेरी खातिर जमी पर आ गया। स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांवों की चौकी है, वो विशाल खुदा मेरे छोटे से दिल में समा गया, मेरे छोटे से दिल में समा गया। जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, वो आसमान में नहीं, फिरदौस में, जन्नत में नहीं, वो चांद सितारों में नहीं, आपके मेरे 12 सेंटीमीटर के दिल में रहना चाहता है। उसका दिल आसमान में, चांद सितारों में नहीं, सूरज में नहीं, आपके दिल में उसका दिल धड़कता है, आपकी सांसों में वो अपनी सांसें लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, एक जोरदार ताली हो जाए मेरे यीशु के लिए। सो वंडरफुल। जवानों की मीटिंग है तो मेरे साथ एक नारा बोलिएगा, जय जवान, अजय चवान। आमीन। गुस्ताखी माफ, ऐसे आपको हंसाने के लिए कह रहा था। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए।